मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड रिमूव करना भूल जाते हैं। तो कैसे हो गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि फेसबुक के ऐड मैनेजर के अंदर हम अपना कार्ड बैंक इन्फॉर्मेशन किस तरह रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली हम अपने ऐड के ऊपर ऐड जब चलाते हैं उसके बाद हमारा क्रेडिट फिर भी कट रहा होता है, लेकिन हम अपना कार्ड वहाँ से रिमूव करना भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको रिमूव करेंगे। मेरे पेज को लाजमी लाइक कीजिएगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले आप टॉप पे जाएंगे तो आपको टॉप के ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइकॉन लाजमी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाजमी सेटिंग का ऑप्शन लाजमी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप लॉग आउट करते हैं उसके ऊपर आपको सेटिंग्स, जो कि आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स मतलब आपकी अकाउंट सेटिंग्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप जब लेफ्ट साइड पर देखेंगे एट दी एंड, आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट्स का आपको फोर्थ लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट्स के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके पेमेंट्स का डिटेल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये पेमेंट जो डिटेल्स हैं ये पहले कुछ और तरह काम करती थी, अब इस केस में अब ऐड मैनेजर के अंदर सारी पेमेंट डिटेल जा चुकी हैं। आपने देख लेना है अगर आपका कार्ड यहाँ पर भी एक्टिव है तो यहाँ से भी आप रिमूव कर दें, अदरवाइज़ अपना कार्ड ऐड मैनेजर में भी जाके रिमूव कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कार्ड इस वक्त इस अकाउंट के अंदर मतलब पेमेंट्स डिटेल के अंदर मेरा इस वक्त एक्टिव नहीं है, लेकिन मेरा ऐड मैनेजर के अंदर मेरा कार्ड इस वक्त एक्टिव है। यहाँ पर मुझसे वो अकाउंट लेने का पूछा है जबकि मेरा कार्ड ऐड मैनेजर के अंदर एक्टिव है। तो यहाँ पर आप सिंपली अगर आपका कार्ड है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं अपनी डिटेल को। यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से ऐड मैनेजर पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ड्रॉप आइकॉन के ऊपर क्लिक करके भी ऐड मैनेजर के अंदर जा सकते हैं। वहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा, जहाँ से आपको डायरेक्ट आप अपनी पेमेंट डिटेल्स सेटिंग्स के ऊपर चले जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपके पेमेंट्स की सेटिंग्स, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने डॉलर्स हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका कार्ड इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये लिंक्स आप दे सकते हैं, इस लिंक के थ्रू मतलब आप देख लीजिएगा अपने फेसबुक, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिंक से भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास कोई डॉलर नहीं है इसके अंदर, जबकि मेरा कार्ड इस वक्त इसके अंदर एक्टिव है। जब मैं आपको दिखाऊँगा लेस इसको मैं दिखाता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन या मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मेरा कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एडिट भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ। एडिट से मतलब है कि अगर आपका कार्ड एक्सपायर है तो आप उसको एडिट करके मतलब आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका कार्ड नंबर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिमूव करना चाहें तो सिंपली रिमूव के ऊपर क्लिक करके रिमूव कर देंगे तो आपका जो कार्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इस वक्त मेरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई कार्ड यहाँ पर एक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पर आप नया कार्ड जो भी आप एक्टिव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप ऐड चलाने के बाद अपना कार्ड यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये मोस्टली लोगों का बहुत परेशान थे कि मोस्टली लोग ऐड तो चला लेते हैं लेकिन उसके बाद उनकी फिर भी क्रेडिट कट रहा होता है। तो उनके पीछे रीज़न थे, वो पूछ रहे थे किस तरह हमें समय नहीं लग रही, कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। मोस्टली पहले कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको सेटिंग्स के अंदर पेमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब आपको ऐड मैनेजर के अंदर अपनी सेटिंग्स की यहाँ पर पेमेंट्स डिटेल्स देखने को मिलती है। तो ये क्योंकि उनका न्यू फीचर्स है तो आपको यहाँ पर अब सारी सेटिंग्स देखने मिलेंगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इस वक्त मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल हट चुकी है। यहाँ पर अब जब मैं अब नई पोस्ट मतलब बूस्ट करूँगा तो उसके लिए मुझे दोबारा से कार्ड लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने दोनों तरीक़ों से समझा दिया, आप सेटिंग्स के ज़रिए भी और ऐड मैनेजर के ज़रिए भी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना और इस वीडियो को दूसरों का शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ मेरी हेल्प करना, सपोर्ट करना मुझे और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।